बरेली में 6 अप्रैल को संपूर्ण भारत में श्री हनुमान जी जन्मोत्सव मनाया गया। बरेली नाथ नगरी में भी श्री बालाजी दरबार समिति द्वारा श्री बालाजी मंदिर साहूकारा में भव्य आयोजन किया गया था। आज दूसरे चरण के कार्यक्रम में श्री बालाजी महाराज की शोभा यात्रा जैन मंदिर रामपुर गार्डन से निकाली गई, जो दोपहर 12:30 बजे आरंभ हुई। शोभा यात्रा के आरंभ में जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री रश्मि पटेल तथा अनिल कुमार सक्सेना एडवोकेट ने आरती उतार कर शुरुआत की। उसके बाद शोभा यात्रा कालीबाड़ी, श्यामगंज, आलमगिरीगंज, कुतुब खाने, बड़े बाजार से गुजरी, जहाँ सीताराम कूचा के पास करनौ चित्र वाले शिवा परफ्यूम की सुप्रसिद्ध दुकान पर फूलमालाओं और पुष्प से शानदार स्वागत हुआ। अब इसके आगे यात्रा श्री बालाजी दरबार साहूकार में विश्राम लिया, जहां पहले मनोकामना हवन होगा, उसके बाद समस्त भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन होगा, साथ ही दरबार लगेगा और महाआरती के पश्चात 56 भोग प्रसाद के उपरांत कार्यक्रम का विधि विधान से समापन होगा। शोभा यात्रा में महंत अभिषेक मिश्रा, उप महंत आयुष मिश्रा तथा उनके साथ शुभांग सक्सेना, हनु मिश्रा, प्रीति पराशरी आदि लोग शामिल रहे। बालाजी महाराज की जय, बलंगनी के लाल की जय, धाते के सरकार की जय। आज की शोभा यात्रा निकल रही है, नमस्कार, बताइए सर आज की शोभा यात्रा। ये शोभा यात्रा विगत काफी समय से निकलती चली आ रही है और साहूकारे में जो बालाजी महाराज का स्थान है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है बरेली वासियों के लिए। यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी साक्षात रूप में भी आते हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब महाराज जी नहीं रहे, लेकिन उनके बाद में जो उनके स्थान पर बैठे हैं उनके बेटे, वो भी बहुत अच्छी तरह इस कार्य को कर रहे हैं, चला रहे हैं। हनुमान जी राम भक्त थे और उन्होंने उनकी भक्ति ऐसी भक्ति थी कि श्रीलंका को जीतने के काम जो हनुमान जी की के सहयोग से राजा रामचंद्र जी ने किया था वो अविस्मरणीय है। इसलिए मैं हनुमान जी का भी बड़ा पूजक हूँ और हनुमान जी की भक्ति भी करता हूँ। अभी रुक जाना, जय हो मेरे बाबा की, जय हो मेरे दिलदार की। श्री बालाजी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री बालाजी महाराज की शोभा यात्रा बाबा परिवार द्वारा जैन मंदिर से प्रारंभ करी जा रही है, जो कि कालीबाड़ी, श्यामगंज, आलमगिरीगंज, कुतुबखाना, बड़ा बाजार होते हुए साहूकारे से अलकनाथ मंदिर जाएगी। शोभा यात्रा अलकनाथ में स्थगित हो जाएगी, ध्वज यात्रा साहूकारे के अंदर भ्रमण करते हुए बालाजी दरबार में समापन होगी। ये शोभा यात्रा कई वर्षों से निकल रही है। एक बार हम बालाजी से पदयात्रा करके जोत लेके आए थे, वहाँ से इसका शुभारंभ हुआ था, बीच में किसी कारण विलंब हो गया था, कुछ वजह से प्रशासन परमिशन नहीं दे पाया था, उसके बाद में ये लगातार कोरोना काल में भी नहीं निकल पाई, क्योंकि कोरोना को देखते हुए हमने खुद ये प्रोग्राम स्थगित कर दिए थे। हमारे 8-9 जगह बाबा के स्थान पर शोभा यात्राएँ निकलती हैं, हमने सब जगह कोरोना की वजह से प्रोग्राम स्थगित कर दिए थे। अब ये इस बार फिर धूमधाम से पिछली बार की तरह निकाली जा रही है। बरेली साहूकारे में 40 वर्ष से बालाजी का दरबार स्थापित है, जहाँ बाबा की अखंड 5-5 ज्योते विराजमान है, बाबा की शक्ति साक्षात विराजमान है। बोलो बालाजी महाराज की जय, धाते के सरकार की जय, धनंजय जी के लाल की जय।